सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की सर सदारत इजलास हुआ है। पंजाब में चौकीदार निजाम दोबारा फॉल करने का फैसला किया गया है। पंजाब भर में ट्रांसफर डेट्स की वेरिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद करेगा, तो वहीं निजी सोसाइटीज में सरकारी जमीन वाकसा करवाने के लिए ऑपरेशन का भी फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे सुहेल कैसर से। सुहेल बताए इजलास के अहवाल। बिल्कुल, ये आज एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फुल बोर्ड इजलास हुआ है जिसकी सदारत सीनियर बोर्ड ऑफ मेंबर नबील जावेद साहब ने की और इसमें मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये फैसला किया गया है कि पंजाब भर में जो चौकीदारा सिस्टम है उसको दोबारा से फ़ाल किया जाएगा और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि जो पेंडिंग इंतकला पास ना करने वाले अफसरान और अहलकार हैं उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके ज़ेर कब्ज़ा जो प्राइवेट जो सरकारी ज़मीनें हैं उनको वागुजार कराने के लिए भी एक्शन का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल, इजलास का अहवाल बता रहे थे।